The topic we are going to discuss now is ethical issues in vulnerable population. Research ethic standards apply best to the sample composed of competent adults with well-developed sense of autonomy, thus allowing them to make fully informed decisions on their own. vulnerable populations decisions probably The researchers' role is to approach these people in a good faith and if they agree to participate, cause them no harm. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिसर्च के जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें किसी भी किस्म का कोई हार्म ना पहुंचाया जाए हाउ एवर दिस मे बी द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट टू प्रोक्योर बिकॉज दे आर रियली रेडिली अवेलेबल एंड विलिंग जो वर्लनेबल पॉपुलेशन होती हैं वो मोस्टली हमें रिसर्च के लिए अवेलेबल नहीं होती जैसे अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन जैसे ट्रांसजेंडर्स की तो उनसे हमें रिसर्च करने के लिए उनको एक खास कम्युनिटी से अप्रोच करना पड़ेगा रादर दैम कि हम उनको एक पासरबाई बिहेवियर के तौर पर स्टडी कर लें या उनसे कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछें और रिसर्च कर लें एडवाटेज एडल्ट एक्सेप्शन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल इंप्लॉयज़ एंड रिस्पॉन्डेंट टू ओपिनियन पोल्स एंड सर्वे रेयरली बिकम पार्टिसिपेंट्स इन सोशल एंड बिहेवियरल रिसर्च बहुत सारे ऐसे हमारे सैम्पल हैं जिनसे हम जनरल रिसर्च तो कर लेते हैं लेकिन उनसे हम किसी भी सोशल या एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है वो हम उनके साथ नहीं कर सकते जैसे सर्वे ओपिनियन पोल्स और इन चीज़ों में हमें स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंप्लाइज भी मिल जाते हैं लेकिन अगर हम उनसे किसी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहें तो प्रॉबेबली ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होता और मोस्टली रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए वर्नरेबल पॉपुलेशन को चूज करते हैं मेनी ऑफ द रिसर्च पॉपुलेशन दैट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आर इंटरेस्टेड इन आर कंस्ट्रेंड और वर्लरेबल इन प्रिवेंट दम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग फुल सेल्फ डिटर्मिनेशन दिस पॉपुलेशन इंक्लूड्स चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशनलाइज एंड दोस्क फॉर पॉसिबली प्रिवेंटेबल आउटकम सो ये वो लोग हैं जो कि हमें मोस्टली डाटा देने के लिए रेडीली अवेलेबल नहीं होते बट रिसर्चर्स एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग रिसर्च विद एग्जाम्पल इफ आई गिव्यू द एग्जाम्पल ऑफ मॉन्स्टर स्टडी विच इज वन ऑफ अ वेरी फेमस अनिमेंट विच इज बी डन थर्टी बाई डॉक्टर जॉनसन इन लोवा यूनिवर्सिटी बायस इन हिज माइंड कि उसकी जो इम्परफेक्शन्स हैं स्पीच की वो एक्वायर्ड हैं और उसके लिए उसने 22 टू ऑर्फन बच्चों को सेलेक्ट किया और उनके ऊपर उसने सिक्स मंथ्स तक एक्सपेरिमेंट किए और उनको डिफरेंट तरीके से उन नॉर्मल बच्चों को स्पीच इम्परफेक्शन्स जो थी वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की और उसके रिजल्ट के अंदर उनमें से बच्चों के अंदर मुख्तु तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो थे वो क्रिएट हुए कुछ की जो थी वो स्ट्रेटनिंग स्टार्ट हो गई कुछ जो थे उनकी लैंग्वेज ख़राब हो गई कुछ में डिफरेंट तरह की स्पीच इन परफेक्शन और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो आ गया ओवर सेवेंटी ईयर्स लेटर सम ऑफ द अनविटिंग वॉल्टियर्स सूड द स्टेट ऑफ लॉबा के उनकी मेंटल हेल्थ सफरिंग की रीज़न वो एक्सपेरिमेंट था विच वॉज ट्रू क्योंकि वो जो एक उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट था वो उनकी पूरी लाइफ पे रहा और वो नॉर्मल जो बच्चे थे उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में कंडीशनिंग के थ्रू इस तरह की चीज़ें सीख ली जो उनकी नॉर्मल लाइफ के लिए जो थी वो गलत या डेंजरस थी U.S. federal regulations specify population that requires special attention, and consideration because of their vulnerabilities. इस तरह के रिसर्चेज जो 1930s में बहुत ज्यादा हुई और इसमें अनैथिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें से मॉन्स्टर स्टडी भी इंक्लूडेड है आजकल इस तरह की रिसर्च नहीं होती मोर रिसेंटली यू एस फेडरल रेगुलेशन जो हैं उन्होंने Uh, बच्चों के लिए प्रिजनर्स के लिए प्रेग्नेंट वमन के लिए मेंटली डिसेबल्ड परसनस के लिए इकनॉमिकली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज लोगों के लिए इस तरह के रूल्स बना दिए हैं कि वट क्वेश्चन वी कैन आस्क फ्राम दैम एंड वट वी कैन नॉट तो उसके लिए एक गाइडलाइन जो है वो अवेलेबल है देन सम नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज स्टडी पॉपुलेशन पोज एडिशनल वर्नर बिकॉज ऑफ देयर मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन सच एज क्रॉनिक डिप्रेशन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज पॉपुलेशन होती हैं उनके अंदर भी एडिशनल वर्नेबिलिटीज हो सकती हैं और उनको भी रिसर्च के रिज़ल्ट में अगर आ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटिडली उनसे पूछे जाएँ या प्रूव किए जाएँ तो वो भी उनको डिप्रेशन जो है उसके रिज़ल्ट में उन्हें हो सकता है जैसे एक खातून जो पी से गुजर रही हैं और उनको बार बार कोई एक स्पेसिफ़िक इंसिडेंट जो है वो अपनी रिसर्च के रेफरेंस में याद करवाया जाता है तो वो उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है अदर्स आर वर्नेबर बिकॉज ऑफ द फिजिकल इलनेस इसी तरह फिजिकल इल्सिस जो हैं वो भी बहुत सारे लोगों को वर्नरेबल पॉपुलेशन बना देती हैं और एक स्पेसिफिक मेडिकल हेल्थ कंडीशन की वजह से वो किसी रिसर्च में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ एग्जाम्पल जैसे जो बच्चे कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं कैंसर के साइकोसोशल डिटर्मिन के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर सकते हैं अपनी साइकोलॉजिकल और सोशल लाइफ में उनको यूजुअली एडवाइस किया जाता है कि वो स्टेज थ्री और फोर के पेशेंट्स जो हैं उनसे डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ लुकिंग इनटू टू देयर सीरियस फिजिकल इलनेस